तो ये इलेक्ट्रिक चेयर है, इसमें करंट पास होगा 440 का वोल्ट, और जैसे ही करंट पास होगा इस पे बैठा हुआ आदमी एकदम कोयला हो जाएगा। खा। ये है लिवर, अब मैं ये लिवर घुमाऊंगी तो क्या होगा? इसमें करंट पास होगा 440 वोल्ट का। स्विच ऑफ है ना? हाँ मीन स्विच ऑफ है। हाँ हाँ, ये लिवर घुमाया मैंने और ये करंट लगने की एक्टिंग शुरू। कैसी रही मेरी एक्टिंग? सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तुम्हें ताबड़तोड़ अभिनय करना है जब वो आएंगे, ठीक है? तुम देखने वाले को झटका लगना चाहिए, समझ गए ना? सब रेडी है ना? चीता भी आता ही होगा। हमारी इनकी मैया का सासू मैया, एक छोटा सा कोड इनको याद नहीं रहता। चीता ही होगा और कोई और हुआ तो? एक सेकेंड फोन कर लेती हूँ ना चीता को। लो चीता का ही मैसेज है, कह रहा है कोड वर्ड भूल गया हूँ, शटर खोलने बोल रहा है, मैं खोल कर आती हूँ। अरे भाई ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन तो लाग रहे को नहीं? पलटो बंधु। हम हैं चलता फिरता थाना, जो तुम्हारे चेहरे का ये रंग उड़ा ना, इसको देख के हम कह सकते हैं कि तुम हमको पहचान लिए हो। पहचान लिए ना? तो तुम ही हो ना वो अपनी पड़ोसन श्रीमती मालती के घर में अंधेरा करके अपने घर में रोशनी करने वाले? पढ़ियों गलत है, मैं तो काय भी कोने की हो। था के पास कोई सबूत है कहीं? नहीं, यही खासियत है इस थाने की कि यहाँ पे कोई सबूत और गवाह नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट जो है ना इंसाफ दे देते हैं यहाँ पे। अब तुम कबूल करो कि तुम ही हो जो वो बिजली चोर हो। मैं काय भी कोने की हो। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया। अगर आप अभी ये कबूल नहीं करोगे कि आप बिजली चोर हो, कोई बात नहीं, मत करो कबूल। ये बिजली की चेयर है ना, ये आपसे कबूल करवाएगी कि आप बिजली चोर है, क्योंकि क्या है ना इसमें 440 वोल्ट का झटका लगा है जो ऐसा रॉकेट बनाएगा ना कि एक झटके में सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये आदमी जो इस कुर्सी पर बैठा है ना, ये चोर है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा है कि ये चोर है। अब ये बिजली वाला चेयर ना इससे कबूल करवाएगी कि ये चोर है। देखेंगे आप, डेमो देखेंगे। देखिए, हाँ भैया क्या नाम है आपका? बलराज साहनी। बिल्लू, देखिए नाम सही बताया उन्होंने, बिल्लू। ए चुप चुप, आप हमें ये बताइए कि आप चोरी आपने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चोर है। चलो भैया अभी तुम्हारा हो गया, इनको हटाओ, इनको बिठाओ। अरे मैं तो नहीं बैठूं चेयर पे, अरे मैं कबूल करूं कि मैं ही बिजली चोर हूं और मैं ही मारी जो मिसेज मारती पड़ोसन है उनकी बिजली चोरी करूं। और तो और उसका जितना भी बिजली का बिल है नहीं, मैं सब चुका दूलो, सब भर दूलो। माफ नहीं, उनको बोलो कि अपना जो केस है वो वापस ले। समझ गए तुम? समस्या सॉल्व हो गई, केस सॉल्व हो गया। हाँ जी हुकुम। चलो कटो। ए बिल्ला, तुम मतलब इतना धमाकेदार नेचुरल एकदम पावरफुल एक्टिंग कर दियो बे। हाँ लौटू, ए बिलौटू तुम जिंदा तो है ना? का परफॉर्मेंस दिया बिलौटा, संतु जैसा किया जैसा लग रहा है सच में करंट खा रहा था। पहले ये बताओ सच में करंट किसने चला रहा? अरे हाँ हाँ हम सब कर देंगे, चिंता मत करो। आप ही रखते हैं फोन। सुनिए बहन जी, हमें रिपोर्ट वापस लेनी है। बहन जी? अरे अरे दादी जी, हम तो आपकी पोती के समान हैं, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता ना, इसलिए आप हमें बेटा ही कहिए। हाँ। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी। हाँ हाँ हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। हाँ, आप अपनी रिपोर्ट वापस क्यों लेना चाहती? जब सारा टंटा निपट गया है तो काहे रिपोर्ट रिपोर्ट की सरदर्दी ले? घर में नया कनेक्शन लग गया है, बिजली आ गई है, उस राघव ने सब आगे पीछे का बिजली का बिल भर दिया है, तो अब काहे की झेझे मोल ले। यहाँ पे अपने दस्तखत कर दीजिए और अपना केस वापस ले। जी जी ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।
कैसे हुई? अचानक ही उस राघव की अकल ठिकाने आ गई और उसमें सब कुछ बताइए। पर ये तो जी कहिए। मैडम जी, मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। मेरी समस्या का समाधान हो गया है। हाँ मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप मेरी FIR कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सबकी FIR हम खारिज कर देंगे, आप लोग जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सब अपनी FIR वापस लेने आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते। आप जानती हैं क्या? हम नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते होंगे? आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो एकदम सहज हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ, एकदम सहज। चीता और संतोष कहाँ हैं? अब चीते संतोष यहाँ तो नहीं है। हाँ वो नहीं है, हम बुलाते हैं उनको। फोन करके बुलाइए जी, अभी अभी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ, हे भोलेनाथ, मैडम सर का सवाल सुनने के बाद संतु के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सारा भांडा फोड़ देगी। अब आप ही कुछ कीजिए, हम सच में आपको 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। आपने हम लोग को बुलाया मैडम सर? जी, हम आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर मैडम सर। संतोष शर्मा, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नो मैडम सर। ये अभी हाल ही में जो कंप्लेंट्स वापस ली जा रही हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नो मैडम सर। इसका पेट क्यों नहीं दुख रहा? दुखेगा तब ना जब उनको सुनाई देगा। मैडम सर क्या बोल रही है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। हम ही सारा कर रहे हैं संतोष जी को, पर सुन क्यों नहीं पा रही वो? क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं मैडम सर। देखा मैडम सर, आपने हमने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम आपसे छुपा रहे हैं। अगर संतु कुछ छुपाती तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता ना। नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। हाँ मैडम सर, नहीं तो अब तक तो संतु जी का फैलाया हुआ सच यहाँ फर्श पर फैला होता और हम लोग मिलकर उसको समेट रहे होते। हमारा भरोसा कीजिए मैडम, संतु जी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, सब सच बोल रही है। हम जरा आए, आते हैं थोड़ी देर में। क्या बोल रही थी मैडम सर? बाप रे बाप, संतु जी आप ना मासूमियत का इमारत हैं। क्या देखिए पुष्पा जी, इसकी वजह से संतु जी को सवाल सुनाई दिया ही नहीं। सवाल सुनाई दिया ही नहीं तो पेट दर्द हुआ ही नहीं, पेट दर्द हुआ ही नहीं तो सच बोला ही नहीं इन्होंने। क्या बोल रही थी मैडम सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम रोज पहना करो, अच्छी लगती हो तुम। करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय। क्या देख रही हैं आप कंप्लेंट रजिस्टर में? कुछ नहीं, वो बाहर पुष्पा जी बता रही थी कि जितना भी केसेस हमारे थाने में आए हैं वो सब वापस चले गए हैं। सबका समस्या सॉल्व हो गया है तो सारे रिपोर्ट खारिज हो गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या जाहिर करें, खुशी या फिर हैरानी। ऊपर ऊपर तो आपको हैरानी जाहिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर से आप कितनी खुश हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। नहीं, हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अच्छे से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि अचानक से कंप्लेंट रजिस्टर के सारे केसेस सॉल्व कैसे हो गए। आप सीनियर हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन एक बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है कि बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना कितना संगीन जुर्म है। लेकिन आपने अभी जो कहा उसे प्रमाणित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है?
इतनी समझदारी की उम्मीद तो हम आपसे रखते हैं करिश्मा सिंह, कि आप अपने खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत तो लगने नहीं देंगी। लेकिन हम भी फितरतन जिद्दी हैं, एक बार सच के पीछे पड़ जाएं तो उसके दरवाजे तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। अब करिए आपको जो करना है करिश्मा सिंह, हम सच तक पहुंच जाएंगे। समय बर्बाद करेंगी आप, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं। गुड लक मैडम सर। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जब तक ये थाना प्रतियोगिता का चक्कर खत्म नहीं हो जाता, हसीना मैडम को दूसरे थाने के बारे में पता ना चले, बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। हाँ? जानते हैं सर। जी सर। हाँ हाँ, बस हम थाने में एंटर ही हुए हैं, केबिन की तरफ जा ही रहे हैं, बस हम 10 मिनट में फोन करते हैं। जी सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, हमें डीएसपी सर और आईजी सर के साथ एक बहुत जरूरी कॉन कॉल करना है, और हो सकता है हमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, हम अपने केबिन में जा रहे हैं, आप प्लीज बाकी सबको आगाह कर दीजिए कि जब तक हम खुद अपने केबिन से बाहर नहीं आते, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा वह कुछ नहीं सुना उन्होंने। इंटरनेशनल क्लाइंट है। एक मिनट, एक मिनट। व्हाट इज नाउ नेम इज व्हाट क्या इज है नेम नाम योर आपका ओह माय नेम इज फ्रीडा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम मैम। यू गो इन दिस थाना? या। फॉर कंप्लेन? Yes. Come this side. Where? Come. What? This thana? West of your time. इस थाने में कुछ नहीं हो सकता। ये थाना बेकार है, फालतू है। I suggest another level thana. It's super fantastic. मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है ऐसा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। Come with me. Secret place. What secret place? Secret place means रहस्यमयी। हाँ, गुप्त स्थान, काना खोपचा। Come with me. You nothing with me. No. I will complain against all three of you. एक मिनट। क्या चल रहा है? What you want? Ma'am, I want to go inside and complain. These stupid men not letting me go. यहाँ कंप्लेन? यस। नो, आजकल यहाँ नो कंप्लेन, नो राइटिंग। विश्वास नहीं हो रहा कि पुष्पा जी भी इस सब में शामिल है। बट व्हाई नो कंप्लेन? ऑर्डर फ्रॉम हेयर ऑर्डर। देन व्हेयर शुड आई गो कंप्लेन? यू टेल मी मैम, व्हाट डू आई डू? नो क्राई। बिल्लू टेक यू सही जगह, है ना बिल्लू? यस। थैंक यू। पुष्पा जी, हम भी जाएं। बस ध्यान दो इधर। सीक्रेट प्लेस। नहीं, संतू, रुको, अभी मत खोलो। नहीं मैडम, हम जानते हैं बिल्लू है तो जाने देते हैं ना, वो गलत पासवर्ड बोल रहा है, तो छोड़ दो मैं जाने। नहीं, लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, संतोष जी यहाँ पर हैं, पुष्पा जी वहाँ थाना में बैठी हैं, जैसा आप आदेश दी थी, तो बाहर कौन होगा? बिलौटा ही हो सकता है ना मैडम? अम्मा, बिलौटे के साथ मैडम सर हुई तो? नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे शटर नहीं खुलेगा, समझ गए दोनों की दोनों? हाँ। नो, प्लीज वेट। कहिए मैडम सर, हम अपने केबिन में। क्यों? पक्का है? क्या पक्का, थोड़ी देर पहले तो अंदर गई है वो, और हमसे कह के गई है कि डीएसपी सर और आईजी सर के साथ उनका जरूरी कॉन कॉल है, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। आप
जाइए एक बार जाके चेक कीजिए। क्या मैडम सर है कि नहीं वो चेक कीजिए पुष्पा जी। अरे हाँ हाँ देखते हैं जाके। हाँ सर हम भी यही कहना चाहते हैं सर। जी सर हो जाएगा बिल्कुल सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अंदर तो बैठी है वो, हम देख रहे हैं उनको। आप पक्का? क्या पक्का पक्का पक्का, आपको भरोसा नहीं है हमारी आंखों पे? शक है आपको तो खुद आके देखिए ना। ठीक है थैंक यू पुष्पा जी। खोलो खोलो शटर खोलो। हाँ। फॉरेन से है। Hello, hello, hello. I'm Frida. Is this the real police station? Yeah. हाँ, real police वाले हैं ना? बताइए आपका क्या समस्या है? हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? Why come here to complain? Why not there? वो हमारी जो senior है ना madam sir, उनसे छुपाने के लिए हम यहाँ पर। तो आप सब अपने सीनियर से छुपा के ये थाना चला रहे हो? Oh, so you're S.I. Karishma Singh. This little packet, he tell me everything about you. You are very famous in Lucknow. You're bhokala, you're topa, you're punching. You're very famous. You think you're better than your senior? Let me explain. हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है। और जो हमारी करिश्मा मैडम है वो लात और मुक्कों से चलती है। I don't understand. Speed difference, you understand? हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है, which is 2G. और जो करिश्मा मैडम है लात और मुक्कों से चलती है, which is 4G. दोनों के फायदे और नुकसान है। 2G जो है वो देर से कनेक्ट होता है लेकिन लंबा चलता है, और जो 4G है वो फट से कनेक्ट होता है और फट से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। मैडम सर जो है वो बुलेट कार है, मतलब बैलगाड़ी है, और करिश्मा मैडम जो है वो घोड़ा गाड़ी है। दोनों के फायदे नुकसान एकदम सही। हाँ, अगर हमारी हसीना मैडम होम्योपैथिक है ना तो हमारी करिश्मा मैडम एलोपैथिक है। नहीं मतलब हो गया हो सबका, तो आप आइए ना, आप अपना कंप्लेंट लिखवाइए, हम सॉल्व करेंगे। बैठिए बैठिए। यस यस यस, यू आल्सो नाइस, आई फॉरगॉट अबाउट माय कंप्लेंट। सिट सिट। बताइए क्या प्रॉब्लम है? आई हैव बीन चीटेड। कौन है जिसने आपके साथ चीटिंग किया हमें बताइए आप। बाय द पीपल क्लोज टू मी, मैंने जिन पे विश्वास किया, आई ट्रस्ट देम, दे चीटेड मी। ये तो बहुत गलत किया आपके लोगों ने, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत। आप हमारे देश में आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी अतिथि हैं। हमारे देश में ना अतिथि देवो भव कहा जाता है। What? God is guest. Guest is God. God. Don't cry. Thank you. Hold my bag. Yeah. बताइए कौन कौन है, उनके नाम बताइए। Yes, I tell you their name. ऐसा ही करिश्मा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, एंड ऑफ कोर्स बिल्लू चंपत। मैडम सर आप अब तक थाने में हैं, अपने केबिन में हैं। पुष्पा जी के हिसाब से तो अब तक हम IG सर और DSP सर के साथ कॉन कॉल पर हैं। जी सर हो जाएगा बिल्कुल सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारी डिटेल्स आपको हम भिजवा देंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले लोग ही अक्सर सबसे बड़े बेवकूफ बन जाते हैं।
सामने रखी तलवार तो देख लेते हैं लेकिन जमीन पर पड़े कांटे नजरअंदाज कर देते हैं। हो गया, अरे सपना सच हो गया, काली खोपड़ी ने काम शुरू कर दिया। क्या कहा था हमने करिश्मा सिंह, फितरतन हम जिद्दी हैं, कैसे भी करके सच तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए फिर, आपका झूठ हमने एक्सपोज कर ही दिया। हमें आज तक लगता था कि हमारे इस महिला पुलिस थाने की सिर्फ काउंसिलर ही नहीं, आप हमारी सबसे करीबी दोस्त भी हैं। अगर इस सब के बाद हमें सबसे ज्यादा किसी ने नाउम्मीद किया है तो वो आप हैं। मैडम सर, हम मानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है, आपको धोखा देने के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, बस अपने महिला पुलिस थाना को जीतते देखना चाहते थे इसलिए ये सब कर बैठे। तरीका भले ही गलत था मगर मंशा नहीं। गलती का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता पुष्पा जी, गलती गलती होती है और आप सब ने गलती की है। आपने सिर्फ हमें ही नहीं, अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी को धोखा दिया है। आपने अपने निजी फायदे के लिए अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हम आप सब के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमें सारा घटनाक्रम DSP सर को रिपोर्ट करना होगा। आपको जो करना है आप कीजिए मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो सब हुआ है इसमें इन सब का कोई गलती है। इन सब ने वही किया जो हमने इनको करने को कहा। हम इनके सीनियर हैं, हमने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने फॉलो किया। हम हैं जिन्होंने इनका मिसयूज़ किया, इनका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। ये जो पूरा प्रकरण है ना मैडम सर, इसका जिम्मेदारी हम अकेले लेते हैं। आपको जो सज़ा देनी है आप हमें दीजिए, हम अकेले भुगतेंगे, लेकिन ये सब निर्दोष है। सही कहा आपने करिश्मा सिंह, ये सारी गलती आपकी है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन आपके लिए कोई भी फैसला लेने से पहले हम आखिरी बार पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने किए का जरा सा भी पछतावा है? हमने जो कुछ भी किया ना मैडम सर, वो हमारा महिला पुलिस थाना और इस देश के सभी महिला पुलिस थाना के स्वाभिमान के लिए किया है, कतई पछतावा नहीं है हमको। तो ठीक है फिर, जब तक आपको अपने किए का पछतावा नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेती पूरे दिल से, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि आप ये वर्दी पहनने लायक हो गई हैं, इसकी गरिमा बरकरार रखने लायक हो गई हैं, तब तक आपको ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। वो दिन तो फिर कभी नहीं आएगा मैडम सर। तो फिर ये वर्दी भी आप कभी नहीं पहनेंगी। जय हिंद मैडम सर।
हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और कांस्टेबल संतोष शर्मा, जिन्होंने मिलकर पाप का सर्वनाश किया, शहर में अमन और शांति कायम की। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी, जहां भगवान है वहां शैतान भी, जहां हीरो है वहां विलन भी। और इस कहानी का विलन है SHO बुलबुल पांडे। बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के लिए घटिया बन की हद पार कर डाली। अपने थाने में आए सारे केस महिला थाने में भिजवा देने की घटिया चाल चली, फिर भी महिला थाने वालों ने हार नहीं मानी, ये लड़े और जीते। आखिरकार बेस्ट थाना कंपटीशन की ट्रॉफी इन्हीं के नाम हुई, जिनकी जिंदगी का बस एक ही नारा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, गजब। बिल्लू भाई आपका जवाब ने कसम से। एक और? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ एक कहानी और सुनाओ, एक मस्त कहानी सुनाओ। पिग पिग, एक और पिग। अच्छा अच्छा, एक पिग। ये बदनाम सुना, रिस्पेक्ट राइटर, ये अपना साहब के लिए एक पैक बना। हाँ बिल्लू भाई बिल्कुल, अभी बना के देता हूँ। बिल्लू भाई सच बोलू, क्या है कि आपकी नई कहानी बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी है, लेकिन सच्ची नहीं है। एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि अभी तक एक कॉम्पिटिशन हुआ नहीं, इन थाने वालों ने ट्रॉफी जीती कैसे? राइट पॉइंट है भाई। देखो बिल्लू भाई, कहानी में झोल तो है, एक करिश्मा मैडम हसीना मैडम का तो झगड़ा हो गया बराबर, हसीना मैडम ने करिश्मा मैडम को सस्पेंड कर दिया, राइट? एकदम बराबर बोला। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। कहानी भी गड़बड़ है, सही नहीं। एक और? इंटरवल तक ही है। ये जो कंपटीशन है, ये अपना महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। कैसे कैसे, कैसे? बोलो बोलो बोलो। वो कैसे क्या बता, काली खोपड़ी में आया, बोल दिया। बहुत ज्यादा हो गया, अब बस करो, प्लीज बस करो। एक और बात याद आ गई है, जो हम ये दारू का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओ किसी को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास गया। ये बताएगा, ये बिल्लू भाई हा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बोतल की कसम। रात बहुत होगी, मैं तुमको छोड़ देता हूँ रास्ते तक। चलो बिल्लू भाई, बहुत मजा, कसम से इतना मजा मैं लाइफ में नहीं लिया। एक बार दरवाजा बंद रहे, दरवाजे से निकलू ना। हाँ बिल्लू भाई, बाय बाय। चलो चलो आए। आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। मैं कैसे मानूं? मान लिया अभी है मैडम। अच्छा वो आप आए यहाँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। वो मेरी कहानी रिसेस तक पहुंची है, तो आप उसको एंड तक पहुंचा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। बिल्लू सुनो, मदद हमको चाहिए तुम्हारा, समझ रहे हो? आपको मदद चाहिए और हम नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे राइट लेफ्ट मत हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, आप सीधे खड़े रहो ना। एक सेकेंड, अभी तुम्हारा फोकस होगा, रुको। तुम अभी सीधा दिख रहा है ना हम तुमको? हाँ हाँ हाँ। अब तुम सुनो हमारा बात, अब जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं ना बिल्ले, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमको क्या करना है ना, अब जो भी रिपोर्ट, जो भी FIR, जो भी कंप्लेन आएगा ना थाने में, तुम सीधा हमको रिपोर्ट करोगे। मतलब वादी का नाम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ तुरंत हमको फोन करके तुम बताओगे, समझ गए? पर क्यों? ये हमसे सवाल मत करो, तुम पर क्यों, समझ गए? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। नहीं तो ये सेल्फी।
गई वीडियो, मैं हूँ। देखो थाने में बैठकर हम ये दारू काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होना चाहिए, समझे? किसी को बताना नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास चला जाएगा। ये बताएंगे? ये मैं हूँ। कह दो ये सपना है, डिलीट कर दो इसको। आँख खुली पर सपना टूट गया। तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे हम तुमको, अगर तुमने हमारा बात नहीं माना। और ऐसा तोड़ेंगे ना बिल्ले कि दिन भर कड़कड़ कड़कड़ करते रहोगे, समझ गए? इसलिए हम जैसा कह रहे हैं ना तुम बिल्कुल वैसा करो, नहीं तो अगर हमने ये वीडियो पहुंचा दिया ना मैडम सर के पास तो तुम्हें अभी थाना से ना आउट कर देंगे। नहीं लेकिन ये आपने जो कहा वो मैडम सर को पता चल गया तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है, ये मैडम सर इनका साथ देना है हा? जो दिन भर जज्बातों का खोखली पीपरी बजाती रहती लेकिन थाने के लिए कुछ नहीं करती है, या फिर हमारे लिए जो सिर्फ इस महिला पुलिस थाना के लिए नहीं बल्कि शहर के सारे महिला पुलिस थाना के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। हम अपने महिला पुलिस थाना को नंबर वन पे देखना चाहते हैं, समझ लो तुम। अब बताओ तुम्हें किसका साथ देना है, अब जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पूरा रात यहाँ नहीं बिताना तुम्हारे साथ, जल्दी बताओ। हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत, अब ड्यूटी पर लग जाओ, हमको सारा खबर दोगे तुम, समझ गए? हाँ हाँ समझ गए। दो घंटे में चढ़ाई थी जादूगरनी ने, दो मिनट में उतार दी, अब फिर से चढ़ानी पड़ेगी। किधर है? यही फाइल चाहिए थी ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, जैसे ही करिश्मा सिंह आ जाए उन्हें हमारे केबिन में भेज दीजिएगा। आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मैडम सर? बहुत याद आ रही है ना उनकी, हम सबकी भी यही हालत है, बहुत याद आ रही है करिश्मा जी की। यही तो मुश्किल होती है रिश्तों की, कितने पास है दूर जाकर ही पता चलता है। ऐसी कोई बात नहीं पुष्पा जी, वो बस ऐसे ही हमारे जबान से निकल गया था। उम्मीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेन आने देंगे और उनकी प्रॉपर FIR भी लिखेंगे। गेट बैक टू वर्क। चल मैडम जी, चल अंदर, और मैं तुझे छोड़ूंगी। अरे कर दूंगी मैं। अरे मैडम मेरा कोट फट जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आय हाय, दीदा दिलेरी तो देखो इसकी, अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है इसे। मैडम आप इसे छोड़िएगा नहीं, जेल में डाल दीजिए इसको। इसके तो रोहू मच्छी की तरह टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या किया है इन्होंने? अरे इसने लड़की छेड़ी है, लड़की। हाँ अच्छा, तो फिर आप लड़की को क्यों नहीं लेकर आए साथ में? कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? अरे वो लड़की मैं ही हूँ मैडम। मैं क्या आपको सूखी मछली नजर आ रही हूँ? मैडम मेरी मार्केट में मच्छी की दुकान है, ये दरिंदा आया और मुझसे किस मांगने लगा। मुझे लगा कि ये फिश मांग रहा होगा। ये गलती से फिश की जगह किस बोल गया है। फिर मैंने कान लगा के ध्यान से सुना, ये तो कमीना किस ही मांग रहा था। मैडम आप इसको छोड़िएगा नहीं, बंद कीजिए इसे अंदर। हाँ नहीं ये तो गलत है भैया, आप क्या थोड़ा तो अपनी चॉइस का ख्याल रखते हैं आप। बिल्कुल सही ना यार, मतलब कोई संतोष जी से सुंदर होती तो समझ में भी आता, कहाँ फंस रहे थे यार तुम। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? भाभी आप सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, इनका औकात नहीं आपसे चुम्मा मांगने का। अरे मैडम मैं तो रुमाल पे किस मांग रहा था। और देखिए मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ और उसी मान सम्मान से मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी, पूछ लीजिए इनसे। पर मांगी तो मांगी मैडम, छेड़ा ना, बंद कर दीजिए आप इसको, छोड़िएगा नहीं इस केकड़े की औलाद को। हाँ आप प्लीज चिल्लाना बंद करिए, आप तो भाई साहब अच्छे से शरीफ घर के पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आपने इनसे किस मांगी ही क्यों? देखिए मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुंबन का निशान चाहिए, वो तो किसी भी महिला का होगा चलेगा। मगर एक बात बताइए, आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस? ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में एक धोखेबाज, चरित्रहीन और भ्रष्ट पति साबित कर सकूं। हैं? और मेरा किसी और औरत से भी संबंध है ये भी साबित हो सके, तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी मैडम। क्या? एक मिनट
क्या बकवास किए जा रहे हो? देखिए आप चाहे जो कहिए लेकिन इस रुमाल पे किस दे दीजिए। हम माँ देखिए तो हम देखिए 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 आप लोग इतनी सारी महिलाएं हैं एक किस कर देंगी तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, आप ही कर दीजिए। वहां से ना थोड़ा दूरी रहना पहलवान, और अपनी इमोशन को थोड़ा काबू में रखो ना तो बता रहे हो बहुत खराब आदमी है हम। मैं करूं? एक मिनट, आप शांति से बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। शेखर अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो इसका सलूशन डिवोर्स तो नहीं है? आप अपनी बीवी से बैठकर बात करिए, डिस्कस करिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो ऐसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है? नहीं हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, बाय द वे हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली खुश हैं। अम्मा तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ सब कुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पत्नी के साथ तो फिर तलाक क्यों चाहिए? यहाँ हमारा लल्ला जो है। पुष्पा जी रिलैक्स। देखिए मैं अपनी पत्नी पल्लवी से इसलिए डिवोर्स लेना चाहता हूँ ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए, मुक्त हो जाए इस वैवाहिक जीवन के बंधन से, और फिर से वही हंसती खेलती चुलबुल चंचल पल्लवी बन जाए जो वो शादी से पहले हुआ करती थी। मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसा मैं उससे शादी से पहले मिला था। शेखर ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो, लेकिन हम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोड़ना क्यों चाहते हो। देखो अगर आप अपनी बीवी को आज़ादी देना चाहते हैं तो फिर अपने प्यार की आज़ादी का आसमान बढ़ाइए, अपने प्यार के साथ साथ अपना साथ दीजिए अपनी बीवी को, उन्हें एहसास दिलाइए कि वो कितनी खास हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। बहुत छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे एफर्ट्स की जरूरत है। आप घर के काम में उनका हाथ बटाइए ताकि उन्हें मदद मिले। मैडम सब कुछ किया वो भी करके देख लिया, आपको पता है जब मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे किचन से निकाल देती है ये बोल के कि तुम्हें किचन का काम नहीं आता, जब मैं बच्चे संभालता हूँ तो बच्चे छीन लेती है कि तुम बच्चे नहीं संभाल सकते। तो एक काम कीजिए ना, आप सत्तू के पराठे बनाइए, बहुत आसान है बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। संतोष जी हमको भी कभी खिलाइए सत्तू का पराठा। नहीं नहीं होता है ऐसा ही होता है, जब भी मर्द औरतों की मदद करने अपने रसोई घर में घुसते हैं ना सब काम तमाम कर देते हैं। हाँ लल्ला के पापा भी ऐसे ही थे, हालांकि अच्छा लगता था मगर जब भी घुसते हैं ना मर्द तो काम बढ़ा ही देते। एक काम करिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, एक मेड एक नैनी एक ड्राइवर रख लीजिए ताकि सारा काम जो है घर का वो लोग करेंगे और आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी, उनका सारा टाइम आपके लिए होगा। अरे वो भी ट्राई किया मैडम सब कुछ करके देख लिया। नहीं देखिए सच बताऊं तो उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे नौकर चाकर मेड वेड सबसे बहुत प्रॉब्लम है, इतने नौकर रख लिए इतनी मेड रखी सबको निकाल दिया ये कह के कि तुम्हें काम नहीं आता, जब तक घर का एक एक छोटा बड़ा काम खुद नहीं कर लेती ना उसे तसल्ली नहीं मिलती। मैडम क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो कोई मालिक उसको काहे निकालेगा। अरे लेकिन मेरी धर्म पत्नी के साथ ऐसा ही होता है सर, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप कोई भी मेड मेरे घर भेज के देखिए, एक दिन के अंदर अगर उसने उस मेड को ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम शेखर नहीं। एक दिन? अब तो हम भी जानने में इंटरेस्टेड है कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है, ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं हम आपके घर लोग भिजवाते हैं काम करने के लिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप बनेंगी काम वाली बाई। हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपका रिटायरमेंट कब ड्यू है? एक दिन के लिए जाना है ना, कर लेंगे। गुड। संतोष शर्मा आप बनेंगी नानी, और चीता चतुर्वेदी आप बनेंगे ड्राइवर। एक दिन के लिए ये तीनों आएंगे आपके घर काम करने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या समझ में आता है, हो जाएगा ना? जी मैडम। पल्लू पल्लू क्या है शेखर, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ क्यों आवाज लगा रहे हो? पता है ना सुबह सुबह मुझे कितना काम होता है घर में, बोलो क्या हुआ? पल्लू मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। क्या सरप्राइज है शेखर, जल्दी बोलो मुझे बहुत काम है। राम राम मालकिन, हमारा नाम जो है ना वो चमेली है और हम जो है ना आपकी नई नौकरानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब, हमारा नाम अब्दुल, हम तुम्हारा नया ड्राइवर हो ना। आमी पिंकी तुम्हारी नानी। ओह माय गॉड,
उड़ी बाबा। भाई दैया, क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इनकी एक्चुअली ये आदत है, थोड़ा सा लाउड रिएक्ट करती हैं ये। आप लोग घबराइए मत। क्या हुआ पल्लू? शेखू तुम जानते हो ना, इन सबको लाने की क्या जरूरत थी, घर का सारा काम तो मैं कर लेती हूँ ना। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पल्लू अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। हाँ। अब थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालो ना पल्लू। लेकिन देखो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से घर के सारे काम ये लोग संभालेंगे और तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हें पसंद है। ओह माय गॉड, अब क्यों हो लो? शेखू इतने साल से तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। तुम्हें पता है ना मुझे घर का काम करना पसंद है, सबका ख्याल रखना पसंद है, फिर भी तुम। अरे पर मैडम वो तो आप हमेशा करती आई है ना, एक तो दिन हमको भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, फिर आराम से तय कीजिएगा आपको हमारा जरूरत है का नहीं। आपको अच्छा ही लगेगा, भरोसा तो रखो हम पे, कह रहे ना हम। बड़ा बड़ बोली माँ जी। मरहबा मरहबा माता जी, ये पुट्टी का आवाज कितना मधुर है ना, मैं साहब आप सिंगिंग काई को नहीं ट्राई करती। मेरी खातिर पल्लू प्लीज। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? मेरी दाल। ये हमेशा ऐसे ही करती है। ओह माय गॉड, हाय दैया क्या हुआ? ये देखो कितना कचरा यहाँ पर, ये दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? हमें दो। अरे हम कर लेंगे। हम कर रहे हैं ना मैडम? हम कर लेंगे, हम कह रहे हैं ना। ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, परफेक्ट। देखा, चलो बेटा देर हो रही है। ये औरत का बहुत समोसा है, समस्या है। मैडम मैं क्या बोल? अरे सामने सामने देख कर चलाओ ना, अभी ठोक देते। ये अल्लाह मियां के पास चढ़ने का बहुत शौक चढ़ा इसको। आगे से राइट, नहीं नहीं लेफ्ट लेफ्ट। रुको रुको रुको, तुमसे नहीं होगा, मैं ही चला लेती हूँ। This is perfect. ऐसे चलाते हैं गाड़ी। Oh my God! हाय दैया क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं आप? ये तो हम चाय का स्वाद देख रही वहाँ। ये क्या है? ये तो चाय है। अरे कितनी उबाल दी है? ये देखिए। अब ये कहाँ है? इसे टी कलर चाट कहते हैं। देखिए इस शेड की होती है चाय ब्राउनिश वाइट। हाँ इस शेड की चाय पसंद है मुझे, और आपने तो पूरी चाय जला दी। आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। तो कैसी रही? बहुत बुरी मैडम सर, इनकी मोहतरमा बहुत इज्जत से बेइज्जती करती हैं। अगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करना पड़ता है ना मैडम सर, तो मैं तो बहुत ही बुरी वाइफ साबित होंगी। नहीं संतू जी नहीं, आपसे जिसका शादी होगा ना संतू जी, वो सारा काम खुद से करेगा, सौभाग्य होगा, खुशी खुशी मारेगा वो झाड़ू पोछा जाले साफ करेगा बर्तन। पुष्पा जी आप इतनी चुप चुप क्यों है? क्या बताया आपको मैडम सर, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। एक तरफ है इनकी पत्नी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न एकदम सुपर वुमन की तरह, और एक तरफ है हमारी हमारी बहुरानी करिश्मा जी। बर्तन धोते समय तो उनको देखना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे अपराधी को धो रही, और आटा गूंथते समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आटे से कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो। काश काश हमारी बहुरानी भी इनकी पत्नी की तरह होती, एकदम सुपर वुमन। शुक्र मनाइए पुष्पा जी की करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत को नहीं गुजरना चाहिए। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, क्या क्या मतलब? इसे कहते हैं सुपर वुमन सिंड्रोम,
इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो, उसके तरीके से हो, लेकिन अकेले करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों मैडम? इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट चीता चतुर्वेदी देंगे। देखिए भाई साहब, क्या है इसका मूल कारण जो है ना, वह हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की परवरिश और उनके व्यक्तित्व का गलत संरचना। गौर कीजिएगा संतु जी। मतलब सब लोग गौर कीजिएगा, क्या है कि हमारे देश में ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अगर बेटी है, बीवी है, औरत है, तो उसको परफेक्ट होना चाहिए। सबको परफेक्ट बीवी चाहिए, परफेक्ट बेटी चाहिए, परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट ननद, परफेक्ट सास, ठीक है ना? और अगर गलती से भी औरत इन सब चीज में चूक गई तो औरत फेल। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शेखर। औरतों को पैदा होते से ही ना एक एग्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने। इसी प्रेशर की वजह से एक साधारण मासूम सी बच्ची बड़े होते होते परफेक्शनिस्ट बन जाती है, आपकी बीवी पल्लवी की तरह। अफसोस कि आपकी बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें परवरिश ही ऐसी मिली है। तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। आप आ गए हैं ना यहाँ, हम कुछ करते हैं। पर मैडम सर, इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या? क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो लीगली किसी भी आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट या क्राइम के कैटेगरी में नहीं आती है। संतु जी, क्या कांटे का सवाल की है आप। मिसिंग, मिसिंग रिपोर्ट की कैटेगरी में डालेंगे हम इनका केस, जहां एक औरत अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इनमें इतना ज्यादा खो गई है कि अब हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मिसिंग एफआईआर करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अब अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्दी के। ये बिल्ला कहाँ रह गया? I'm Billu the spy. तुम्हारी मैया की सासू मैया। मैडम मैडम मैडम, समझ के समझ के, इस आँख से ना पूरा दिख नहीं रहा है। वो दर्जी ना जल्दी जल्दी में एक आँख ना आधी काट दी, इसलिए। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। मैं नहीं, छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के ही जाऊंगा। मैडम क्या कर रही है आप? क्या कर रहे हैं? चाबी घुमाना बंद कीजिए। काहे? पूरा लखनऊ आपके स्टाइल को जानता है, पहचानता है, तुरंत पहचान लेगा वो। बंद कीजिए। समझ टोपा होगा, बस यही यही ये टोपा होगा। तुम्हारी मैया की सासू मैया, चुरन होगा। दरोगा जी तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ये सब डायलॉग नहीं चलेंगे। देखो आपने जिस हिसाब से गेटअप लिया है ना, उस हिसाब से डायलॉग लीजिए ना। जैसे? जैसे कि आपने पगड़ी पहनी है तो लोटा के चटनी होके तेरी सैया की मोड़ू मैं भैया। पकड़ तो बहुत देखा पर तुमसा नहीं देखा। ऐसे कई डायलॉग, एकदम अलग अलग डायलॉग आप लीजिए। चाबी घुमाना बंद कीजिए। वो आ गया क्या? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। Thank you.